तो त्रिखंडी का ये सफर हो चुका है हमारा समाप्त। बहुत सारी मस्तियां करी हमने, पानी में मतलब घूमे भी, नहाए आज नहीं है, भींगे हैं थोड़ा सा, जूते हमारे भींगे काफी ज्यादा। लेकिन ये जो समय है, इस समय को छोड़ के हम चल रहे हैं अब नेपाल की दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने, और वो है हेटौडा। हामी त्रिखंडी घूमे अहिले हामी हेटौडा आए छौ। अनि हेटौडा को त्यो शहीद स्मारक पार्क जो कि यहाँ को धेरै प्रचलित छ, अनि त्यहाँ घुमेर हामी धेरै सारा त्यो चित्रहरू लिन्छौ अनि तपाईलाई शेयर गर्छु। तो समझ आया कुछ? इसने क्या बोला? एक्चुअली इसने इतना बोला कि अभी हम लोग चले गए थे त्रिखंडी, वहां से घूम के अब हम लोग आए हैं हेटौडा के ये शहीद स्मारक पार्क पे, और यहाँ पे हम लेंगे ढेर सारी फोटोज और देखेंगे इस जगह को जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, यही बोला था इसने। चलिए चलते हैं शहीद स्मारक पार्क। हम आ चुके हैं अभी अंदर इस पार्क के जो कि शहीद स्मारक पार्क है, और अब यहाँ के नज़ारे बस आपको दिखाते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर थोड़ी बातें और चलते हैं वापस बिहार। प्री वेडिंग नहीं लग रहा है, देख प्री वेडिंग और वेडिंग, पोस्ट वेडिंग है ना, ए प्री वेडिंग, प्री वेडिंग ना, वही मैं सोच रहा हूं पोस्ट वेडिंग कैसे हो गया। पोस्ट वेडिंग सूट चल रहा है एक्चुअली, सॉरी पोस्ट वेडिंग नहीं, प्री वेडिंग ही सूट चल रहा है यहां पे। कैमरामैन भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है आज के इस पार्क वाले ब्लॉग में, मतलब इतना अच्छा पार्क मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। आप समझ लीजिए बस कि आपके ना 50 रुपए वसूल है। फुल पार्क है तो मतलब फुल है, शहीदों के लिए एक स्मारक, ऐसा झरना और क्या चाहिए, साथ में जू और एक म्यूजियम पार्क। काफी मजेदार होने वाला है ये वीडियो, बने रहिए हमारे साथ और देखिए शहीद स्मारक पार्क का जू। शुरुआत करते हैं चील से, फिर मूसा, पता नहीं विलायती मूसा, मूसा भी नहीं विलायती मूसा, और फिर एलिगेटर, और कौन कौन सा भी है यहाँ पे, शायद शेर वेर भी है, गधा भी है, बहुत कुछ है, चलिए देखते हैं। एकदम ये है चील, ये रहा उल्लू, एक और है यहाँ पे प्रजाति उसकी, विलायती मूसा, कितने सारे हैं भाई। और अब आगे चलते हैं, इट्स रैबिट, रैबिट ये है गिद्ध, और यहां है गाइस चीता, ये
तो लगभग 2 घंटे से मैं इस पार्क में घूम रहा हूँ और वहाँ उस एलिगेटर को देखो, तब से वहीं पे है। खतरनाक जानवर है, उठो यार, शिकार करो, थोड़ा घूमो फिरो, हमें भी डरा लो। गलती से वहाँ अंदर चला गया ना, चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा। और यूनिक कपल्स के जोड़ी में से ना बस पल्स बचेगा, क तो हट ही जाएगा, क्योंकि अपन तो वहाँ। ये लहा हिडन देख रहे हो, हिरन, एलिगेटर, कबूतर, विलायती चूहा, ऑस्ट्रिच, चीता, कंगारू, उसके बाद बारी है अब इस पुल पे चलने की। ये पुल देखने मतलब ऑसम है। पार्क मन भाग गया, 30 रुपये ना इंडियन करेंसी के तो मुझे लगे है ना, वो वसूल हो गए, पूरी पूरी वसूल हो गए। और अब बारी है इस पुल की, काफ़ी बेहतरीन है ये पुल, काफ़ी बेहतरीन है। बात करें इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन में कुछ महान नेताओं के, नेपाल की कुछ महान नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और एक इधर भी। मतलब पूरी पार्क की बात करूँ ना, तो भाई साहब घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूरा दिन चाहिए, दिन। तो ये कुछ राइड्स हैं, झूले हैं यहाँ पे। इन झूलों की बात करें अगर, तो अभी ये फिलहाल बंद है, ये खुलते हैं यहाँ पे पिकनिक के वक्त, जैसे कि न्यू ईयर के टाइम पे। न्यू ईयर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, जैसा मुझे पता चला, दादा बता रहे थे अभी यहाँ के। और फिलहाल झूल नहीं सकते, नहीं तो एक और मतलब ऊपर जाते थोड़ा सा, ड्रोन तो है नहीं, तो ड्रोन का एक व्यू कैप्चर मिलता शायद, थोड़ा सा मिल जाता और काफ़ी ज़्यादा हम देख पाते। तो फिलहाल इन झूलों को छोड़ते हैं, लेकिन ब्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता मेरा, क्यों? क्योंकि अभी बाकी है कुछ। ये दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो दिखाते हैं, देखो कुछ दिखा, नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा, सच में? चलो दिखाता हूँ पूरा नेपाल, सिर्फ एक जगह पे देखोगे पूरा नेपाल। ये देखो, दिखा नहीं दिखा, ये देखो पूरा नेपाल, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में।